वेलकम टू देश दुनिया हिस्ट्री एंड करंट अफेयर्स। हर घर तिरंगा एक अभियान है जो भारत सरकार द्वारा भारत की अखंडता और एकता को दर्शाने के लिए चलाया जा रहा है। भारत में हर धर्म के लोग हैं, लेकिन सभी भारतीय हैं। इसीलिए हर भारतीय के घर, ऑफिस, दुकान पर 13 अगस्त से 15 अगस्त के बीच तिरंगा फहराया जाएगा। इस साल भारत की आज़ादी को 75 साल पूरे हो जाएंगे। देश अपनी स्वतंत्रता का 75वां वर्ष आज़ादी के महोत्सव के रूप में मना रहा है, जहां तिरंगे का रिश्ता आम पब्लिक से सिर्फ इंस्टीट्यूशनल था। सामान्य रूप से स्कूल्स और गवर्नमेंट ऑफिसेज में ही फ्लैग होस्टिंग होती है, वहीं प्राइवेट स्कूल्स और ऑफिसेज इस दिन को हॉलीडे करते हैं और यह है भी नेशनल हॉलीडे। तो अब आम जनता से तिरंगे का रिश्ता सिर्फ इंस्टीट्यूशनल ना होकर पर्सनल बनेगा। हर घर तिरंगा कैंपेन से भारत का हर नागरिक इंडिपेंडेंस को एक नेशनल हॉलिडे ना मानकर एक फेस्टिवल की तरह मनाएगा। इससे हर भारतीय नागरिक के मन में राष्ट्रीय ध्वज के प्रति एक अपनेपन की भावना विकसित होगी। इस बिजी लाइफ में जहां हम कुछ चीज़ें सिर्फ न्यूज़ और सोशल मीडिया पर देखकर आगे निकल जाते हैं, जब हम अपने हाथ से अपने घर पर यह तिरंगा फहराएंगे, तब हमें भारतीय होने का गर्व महसूस होगा। और आज का यूथ जो कि तिरंगा को एक नेशनल सिंबल समझता है, अपने इस तिरंगे से भावनात्मक जुड़ाव महसूस करेगा। फिर हर साल यह इंतजार रहेगा कि इंडिपेंडेंस डे पर हमें भी तिरंगा फहराना है। 2 अगस्त से सोशल मीडिया प्रोफाइल पिक्चर ड्राइव शुरू किया गया है। यहाँ 2 अगस्त को पिंगली वेंकैया की बर्थ एनिवर्सरी को मार्क किया गया है। पिंगले वेंकैया द्वारा तिरंगे को डिज़ाइन किया गया था। हिस्ट्री ऑफ नेशनल फ्लैग करके एक वीडियो मैंने पहले बनाया है, इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, उसे ज़रूर देखें। हर घर तिरंगा कैंपेन के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ट्वीट करके फ्लैग कोड दे चुकी है। अब हर तरह के मटेरियल से तिरंगा बनाया जा सकता है, पॉलिस्टर, बूल, कॉटन, सिल्क, खादी, जबकि पहले मशीन से बनाया पॉलिस्टर से बनाना तिरंगा अलाउड नहीं था। इसके साथ ही फ्लैग के साइज पर किसी तरह की कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है, ना ही समय पर। अब आप जब चाहें अपने घर पर तिरंगा फहरा सकते हैं। इससे पहले टाइम वाइज रेस्ट्रिक्शंस थे, तिरंगा सनराइज और सनसेट के बीच में ही फहराया जा सकता था। सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के हिसाब से 20 करोड़ घरों में तिरंगा फहराया जाएगा। 1 अगस्त से 25 रुपये प्रति फ्लैग के हिसाब से पोस्ट ऑफिस पर तिरंगा उपलब्ध है। ऑफिशियल डाटा के हिसाब से देश में 4 करोड़ फ्लैग्स हैं, बाकी इतनी जल्दी लगभग 15 से 16 करोड़ फ्लैग रेडी करने हैं, जिसमें समय और फाइनेंस की ज़रूरत होगी। जिसके चलते भारत सरकार ने एक सर्कुलर जारी किया है, जिसमें कंपनीज फ्लैग प्रोडक्शन में होने वाले खर्च को CSR फंड में रख सकती हैं। इस सर्कुलर में कहा गया है कि CSR का इस्तेमाल बड़े पैमाने पर फ्लैग प्रोडक्शन, सप्लाई, आउटरीच और मैनेजमेंट में किया जाएगा। जानते हैं CSR फंड क्या है? CSR फंड कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। CSR फंड से ही नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस यानी कि NGOs की ग्रांट आती है। यही CSR फंड है जो NGOs की फंडिंग करता है, जिससे NGOs को कॉरपोरेट सेक्टर से फाइनेंशियल एंड अदर सपोर्ट मिलता है। कंपनीज एक्ट 2013 के अंतर्गत यह एक मैंडेटरी प्रोविज़न है कि कंपनीज को अपनी नेट प्रॉफिट का 2% कंट्रीब्यूट करना होगा। कंपनीज एक्ट के तहत CSR उन कंपनीज पर लागू होता है जिनकी वर्थ 500 करोड़ या इससे ज़्यादा है, जिनका टर्नओवर 1000 करोड़ या इससे ज़्यादा, या फिर कंपनी का फाइनेंशियल ईयर में नेट प्रॉफिट 5 करोड़ या इससे ज़्यादा है। पेंडेमिक ईयर में स्टेट्स का CSR लगभग 28,864 करोड़ था। नेक्स्ट ईयर इसमें थोड़ा सा चेंज आया और यह CSR 24,888 करोड़ हो गया। यह डाटा महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, दिल्ली और तमिलनाडु के ऑफिशियल CSR पोर्टल का है। ये स्टेट फाइनेंशियल ईयर 2021 में CSR फंड के मेजर रिसिपेंट्स रहे हैं। अभी तक CSR फंड का यूज सोशल कॉजेस के लिए किया जाता है, लेकिन हर घर तिरंगा कैंपेन में यह खर्च करना कितना ज़रूरी है ये तो नहीं पता, लेकिन ये तो तय है
कि हर घर तिरंगा कैंपेन से हर भारतीय के मन में देश प्रेम की भावना जरूर जागृत होगी। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें।